है तो घर बैठ, स्टे एट होम। भूखा भी हूँ सेठ, पेट पालने के लिए ठोकर तो खानी ही पड़ती है ना। ठोकर? तुम्हारी ठोकर का इलाज तो है मेरे पास, देखो। अब तुम चलेगा तो घंटी बजेगा, घंटी बजेगा तो लोग रास्ते से हटेगा, तुमको ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। ओके, चलो चलो चलो। देखो घंटी घंटी का पैसा तो देता जा, इतने पुण्य का काम किया है, कुछ टिकट तो देता जा। नहीं, टिकट मत दीजिए। कोई को नहीं छेड़ेगा, कोई जुल्म नहीं करेगा इसके ऊपर, चलो। टोनी, टोनी फर्नांडिस, बचपन में कहानी सुनी थी कि मोहल्ले के सारे चूहों ने इकट्ठे होकर फैसला किया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए ताकि जब भी बिल्ली हम में से किसी को खाने आए तो घंटी की आवाज सुनकर हम छिप जाएं। फैसला तो अच्छा था, लेकिन सवाल यह था कि घंटी बांधेगा कौन। तुम तो बहुत बहादुर चूहे निकले, घंटी तो बांधी, वो भी एक अंधे लाचार के गले में। अगर मां का दूध पिया है तो ये घंटी इस गले में बांध कर दिखा। पानी स्टार्ट। वॉटर फाइट का असली मजा तो अब आएगा। नहीं नहीं, पहलवानों का भाव दो का एक, पानी का भाव एक का तीन। टोनी फर्नांडिस एक गांडा। अबे लड़वे, बहुत ही रो बंदा था। लड़ लड़ लड़। ये मेरे 5,000 रुपए पहलवानों के ऊपर। नबरे बड़े बैट लगाओ, चलो मुंह। गुरी लगा मेरा 1,000। अरे मेरे मेरे पास दो। अरे कुछ पर तो साला टोनी पे जुआ खेला था, लेकिन टोनी तो मार खा रहा है। टोनी, टोनी, ये लो, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ। बेटे, तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। बेटे, उस जानवर से बच के रहना, बच के रहना।
फादर हमारा लफंगा गुंडा फादर मारिया, आज मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं सुनूंगा। आज मैं इसे सजा देकर रहूंगा और तुम बीच में मत पड़ो, ये हम दोनों का मामला है। लेकिन फादर ये गुंडा हो गया है और मुझे गुंडों को सीधा करना बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर? I'm so sorry। बैठो बैठो आराम से बैठो, यहाँ बैठो। मारिया तुम्हारा ये बेटा बहुत बड़ा नाम करेगा। हाँ। इसका फोटो अखबार में छपेगा। oh, yes। कि बंबई का सबसे मशहूर गुंडा टोनी फर्नांडिस, इसका आता पता बताने वाले को 10,000 रुपया इनाम मिलेगा। इसका यही एंड होने वाला है। ये चर्च को भी बदनाम करेगा, करेगा ना? नहीं नहीं, आज इसे माफ कर दो। हरगिज़ नहीं, आज मैं इसे किसी भी हालत में माफ नहीं करूंगा। जानती हो आज ये क्या कर रहा था? आज ये सड़क छाप गुंडों के साथ मारपीट कर रहा था। नहीं फादर, मैं मारपीट नहीं कर रहा था। अच्छा, वो मैं सुजी के हस्बैंड पीटर को ढूंढने गया तो देखा कुछ गुंडे एक अंधे लाचार को सता रहे थे, तो मैंने उसे गुंडों से बचा और उन गुंडों को मारा। कैसे? ये धपा धप धपा धप धप। मारे ऐसे क्यों नहीं आदमी बनाती? तुम क्यों नहीं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ सकते ताकि ये फादर पैट्रिक शान से कह सके कि ये देखो मेरा टोनी। अरे अगर मेरे बारे में नहीं सोचती तो अपनी माँ के बारे में सोच। बूढ़ी है, बीमार रहती है, दिन भर काम करती है, एंड यू गुड फॉर नथिंग। फादर आज इसे माफ कर। कोई माफी नहीं होगी और आज इसकी सजा यह है कि इसका आज का डिनर बंद। मम्मी। मम्मी नहीं, और सुन, मुझे तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक कि एक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। मम्मी, मम्मी का बच्चा, गेट आउट।